एक ऐसी मॉडल जिसने अपने पिछवाड़े का 13 करोड़ का बीमा करवा लिया और एक ऐसा आदमी जिसके पेट से 600 से ज्यादा लोहे के कीले मिली, पर ये इतने कीले उसके पेट में पहुंचे कैसे और दवाइयों के बीच में ये लाइन क्यों पाई जाती है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। बच्चों की मिट्टी खाने की आदत के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई इंसान लोहे की केले खाता हो? वर्ष 2017 में कोलकाता के प्रदीप कुमार धाली नाम के 48 साल के एक शख्स को पेट दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब प्रदीप का सिटी स्कैन किया गया तो तब इसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, और फिर जब इनका ऑपरेशन किया गया तो तब डॉक्टर्स ने इनकी आंत से 600 से ज्यादा लोहे की केले बाहर निकाली। प्रदीप के परिवार के अनुसार वो काफी समय से उल्टी पुल्टी चीजें खाते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोहे की केले खा रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा लोहा खाने के बावजूद प्रदीप की जान बच गई, जिसे डॉक्टर बस चमत्कार ही मान रहे हैं। पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पिता जोसेफ कैनेडी ने अपने ज्यादातर संपत्ति इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए ही कमाई थी। जेएफके को भी अपने पिता के गलत ढंग की कमाई के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी के बावजूद जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो तब उन्होंने अपने पिता को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक धोखेबाज आदमी को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बारे में जब जेएफके से सवाल किया गया तो तब उनका जवाब था कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर ही लगाना पड़ता है। जेएफके की ये बात सच हुई और उनके पिता ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इनसाइडर ट्रेडिंग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया और फिर उन्होंने इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया। कोई भी काम करने के बाद हाथ धोना बिल्कुल बेसिक सा काम है, लेकिन दुनिया में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर अपने हाथ नहीं धोते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों के सिर्फ हाथ ना धोने की वजह से ही पूरी दुनिया में हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मौतें गंदे हाथों से होने या फैलने वाली बीमारियों से होती है। अगर पूरी दुनिया के लोग नियमित तौर पर अपने हाथ धोते रहे तो फिर दुनिया में हर साल 10 लाख लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया की आबादी लगभग 7.7 बिलियन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में अब तक कितने लोगों का जन्म हो चुका है? वैसे तो दुनिया में इंसानों का जन्म 2 लाख साल पहले ही हो चुका था, लेकिन इंसानों का जो वर्तमान रूप फिलहाल इस दुनिया में मौजूद है वो आज से लगभग 50,000 साल पहले विकसित हुआ था। पिछले 50,000 साल से लेकर अब तक इस दुनिया में लगभग 105 बिलियन इंसान पैदा हो चुके हैं। कहते हैं कि इंसान के कर्मों का फल उसे जीते जी ही मिल जाता है। अगर आप किसी पर जुल्म करते हो तो फिर आपको भी उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। इंडोनेशिया के एक शख्स ने अपने घर में 9 कुत्ते पाल रखे थे। एक दिन ये छुट्टी मनाने कहीं घूमने चला गया, लेकिन इसने अपने 9 कुत्तों के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं किया। ये कुत्ते भूख से तड़प रहे, और जब ये बंदा छुट्टी मनाकर अपने घर पर वापस लौटा तो तब इसके भूखे कुत्तों ने इसी पर हमला कर दिया और उसे खा गए। मिली 18 साल की स्टेफनी से, जो कि एक 68 साल के बुढ़े रिक से प्यार करती है। स्टेफनी को शुरू से ही बुढ़े आदमी अट्रैक्टिव लगते थे, और जब ये 18 साल की हुई तो तब इसने सुगर डैडी वेबसाइट पर अपने लिए एक ऐसा ही पार्टनर ढूंढना शुरू किया जो कि बुढ़ा हो और साथ में अमीर भी, जो इसके खर्चे उठा सके। जिसके बाद इसे रिक मिला। 2 महीने की रिलेशनशिप के बाद स्टेफनी का मानना है कि उसे रिक की दौलत से प्यार नहीं बल्कि रिक से प्यार ही हो गया। अब प्यार दौलत से है या रिक से, ये तो स्टेफनी ही जाने। हम तो बस ये पता है कि सिंगल लौंडे तो इस बुढ़े को स्टेफनी के साथ देखकर जल भून गए होंगे। बच्चों पर कंट्रोल करे उसको टीचर कहते हैं, और जो बीमारी पर कंट्रोल करे उसे डॉक्टर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहता है उसे क्या कहते हैं? अब आप इससे पहले कि अलग अलग तरह के कयास लगाएं, हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहता है उसे हैंडपैक कहते हैं। वैसे दोस्तों हमारे भारत में तो ऐसे व्यक्ति को जोरू का गुलाम कहते हैं। सही कहा ना? 2012 में इंग्लैंड में 11 साल का एक बच्चा एक मॉल में अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए गया, लेकिन ये बच्चा मॉल में ही माँ से नाराज हो गया और ये इस कदर नाराज हुआ कि ये अपना देश छोड़कर ही भाग गया, वो भी बिना पासपोर्ट वीजा टिकट और पैसे के। मैनचेस्टर एयरपोर्ट से लड़का इटली के रोम में जाने वाली फ्लाइट पर सवार हो गया। हद तो ये हो गई कि किसी भी स्टाफ को इस बात का पता नहीं चला कि ये बच्चा बिना टिकट के ही सफर कर रहा है। क्रू मेंबर्स को इस बात का पता तब चला जब फ्लाइट इटली पहुंचने वाली थी। इस भयंकर गलती की वजह से एयरलाइंस के 5 स्टाफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया। तो दवाइयों पर ऐसे सीधे लाइन तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइन को क्या कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, और इस लाइन को डेबोज्ड लाइन कहते हैं। और ये लाइन खास तौर पर वैसी दवाइयों पर होती है जिनकी पावर ज्यादा होती है, ताकि इसे बीच में से आसानी से तोड़कर पूरी टेबलेट की आधी खुराक ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 500 mg की गोली है और डॉक्टर के अनुसार आपको खुराक में 250 mg दवा लेनी है, तो आप उस टेबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं।
भी बड़ी अजीब है, यहाँ मेरी मेडिकल इंश्योरेंस करवाने की औकात नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसने खास तौर पर अपने पिछवाड़े का इंश्योरेंस करा रखा है। असल में मिस बमबम 2021 का टाइटल जीतने वाली नैथी किहारा ने कुछ दिन पहले ही 13 करोड़ रुपए में अपने पिछवाड़े का इंश्योरेंस कराया है। आपको बता दें कि मिस बमबम का आयोजन बेस्ट बम का चयन करने के लिए किया जाता है। इस इंश्योरेंस के बारे में नैथी किहारा का कहना है कि मेरा बम पूरे ब्राजील में सबसे बड़ा है, इसीलिए इंश्योरेंस करवाना तो बनता है। इसी कमाल ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।